नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नगर संग्राम में। उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक रही हैं। सभी पार्टी निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं प्राइम टीवी की टीम ने अपने खास कार्यक्रम को लेकर आपको बता दें कि चुनहट द्वितीय वार्ड में पहुंची है, जहां पर नलनी का उर्फ बबलू भैया निर्दलीय प्रत्याशी हैं। लखनऊ के चुनहट द्वितीय वार्ड से समाज सेवी के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। आपको बता दें कि चुनहट द्वितीय वार्ड में मुकाबला हुआ दिलचस्प, जनता का उन्हें खासा जनाधार भी मिला और समर्थन भी मिल रहा है। समाज सेवी के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। कोविड के समय उन्होंने जनता की खूब ज्यादा मदद की थी। लखनऊ के चुनहट द्वितीय वार्ड से नलनी उर्फ बबलू भैया हमारे साथ आज जुड़ेंगे। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी से जानेंगे कि क्या क्षेत्र के अहम मुद्दे हैं और अगर उन्हें जनता चुनकर भेजती है तो किन प्रमुख समस्याओं पर काम करते हुए नजर आएंगे। पार्षद प्रत्याशी निर्दलीय नलिनी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्राइम टीवी में। बबलू जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है क्या? बबलू जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है क्या? तो बता दें कि नगर संग्राम में नलिनी कांत उर्फ बबलू सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। जनता के लिए लगातार वो संघर्ष करते हुए नजर आए, जनता के बीच उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई हुई है। और वहीं चिन्हट द्वितीय वार्ड में मुकाबला है उनका और जनता का उन्हें खूब समर्थन भी मिल रहा है। कोविड के समय उन्होंने जनता का बहुत ही साथ दिया था। प्राइम टीवी की टीम चुनहट के द्वितीय वार्ड में पहुंची हुई है, जहां पर नगर संग्राम में नलिनी कांत उर्फ बबलू सिंह जो है द्वितीय वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जिन्होंने कोविड के समय जनता के बीच एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने कोविड के समय लोगों की खूब ज्यादा मदद भी की है। जनता के लिए वो लगातार संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। जनता के बीच जाकर वो लगातार संघर्ष करते हुए भी नजर आते हैं। उन्होंने जनता के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। इसके साथ ही वो चिन्हट के द्वितीय वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो नगर निकाय चुनाव की तारीखें जो हैं वो नजदीक आ चुकी हैं। लगातार प्रत्याशी हैं जो तमाम पार्टियां हैं अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपना समर्थन मांग रहे हैं, उनके बीच जाकर रूबरू हो रहे हैं। एक बार फिर से हम रू करेंगे नलिनी जी का। नलिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। थैंक यू सो मच। नलिनी जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बता दीजिए और ये बताइए कि आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे की? मेरा नाम नलिनी कांत है और मैं जो है वार्ड 66 चिन्हट द्वितीय से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। और राजनीतिक जीवन की जहाँ तक बात करी, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ, तो मेरी शुरुआत तो AVP से हुई थी और अब तो मैं समाज सेवक के रूप में रहा हूँ और लगभग 12-13 साल हो गए मुझे जो BJP का कार्यकर्ता रहा हूँ। अब कुछ कारणों की वजह से, या शायद आप कह सकते कुछ ऐसी स्थितियाँ रही जिस वजह से मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सबके सामने आया हूँ। आप कह रहे हैं कि 10-12 साल से आप राजनीति में, हर इंसान का राजनीति में एक मार्गदर्शक होता है, आपका कौन है? मार्गदर्शक हमारा, हमने कहा कि संगठन के लोग ही रहे हैं और यहाँ पे हम लोग चूँकि लखनऊ की जब बात करते हैं तो मार्गदर्शक के रूप में तो हम लोगों ने आज तक अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही देखा है, तो शायद वो वही हमारे हैं मार्गदर्शक के रूप में। आप मार्गदर्शक के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी को मानते हैं। आपको राजनीति में 10-12 साल हो चुके हैं, तो राजनीति में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है अभी तक?
एक तो एक जो चुनाव की हम बात कर रहे हैं, एक वार्ड का चुनाव है, एक पार्षद का चुनाव है, इसमें जाहिर सी बात है हम प्रदेश लेवल की बात नहीं कर सकते हैं, हम देश के लेवल की बात नहीं कर सकते हैं, हम बात करते हैं या सोचते हैं कि हमारे वार्ड में क्या हो सकता है जो हमारे वार्ड को एक आदर्श वार्ड के रूप में बनाए। तो उसी के बारे में हमने इसमें अपना सोचा कि ये जो हमारा ये वार्ड था, ये 20 सालों से ओबीसी और एससी कोटे में रहा था, शायद जनरल कोटे में पहली बार आया है, तो इससे पहले हम उसमें अपनी सहभागिता भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जो यहाँ की स्थितियाँ हैं, जो यहाँ की जो आपके नाले की सुविधा नहीं है, पानी को लेकर के सुविधाएं नहीं है, इस वजह से हमें आना पड़ा इसमें। आपने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, इसके बाद कुछ कारणों से अलग होना पड़ा, तो आपने देश प्रदेश में बहुत सारी पार्टियां हैं, तो आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का क्यों सोचा? मैंने कहा आपसे विचारधारा की बात आ रही है यहाँ पे, शायद हम किसी और पार्टी की विचारधारा से नहीं जा सकते थे, इसलिए मैंने निर्दलीय का अपना रास्ता अपनाया। आपकी छवि समाज सेवी के रूप में है, कम उम्र में आपने राजनीति में इतना बड़ा नाम कमाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम उन सारे युवाओं को भी ये कहना चाहेंगे कि आप पार्टी से जुड़िए, अच्छे के बारे में सोचिए, लेकिन जहाँ पे लगता है कि शायद कुछ ठीक नहीं हो रहा है और आप समाज में अच्छा करना चाहते हैं, तो आगे ज़रूर आइए। उदाहरण के तौर पे एक मैंने तो सोचा था कि शायद मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जितना एक जन सैलाब हमारे लिए उतरा है, और जितने भी क्षेत्रवासी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ मैं कि जिस तरह से वो खुल के आ रहे हैं कि नहीं, अब बात हो रही है विकास की, बात हो रही है स्वच्छता की, बात हो रही कि जो गरीब यहाँ पे हमारा जो क्षेत्र आता है, जो वार्ड आता है हमारा, इसमें 6-7 गाँव हैं और उनकी जो हालत है जो मैंने देखी है, लगता नहीं इससे ज़्यादा बेहतर, हम अगर गाँव की बात करें उनसे बेहतर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि और लोगों से अपील भी करेंगे कि शायद इन चीज़ों को लेकर के आप आगे आइए और उन पार्टियों से भी आगे हट करके आइए कि आपको लगे कि हाँ अगर समाज में कुछ करना चाहते हैं तो खुल के कीजिए। जनता ने अगर अपना समर्थन आपको दे दिया तो आपके क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसा विकास कार्य है जो आप करना चाहते हैं? देखिए, एक पार्षद के लिए एक वार्ड लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो मेन सजाए होती कि सफाई को लेकर के होता है। हम अक्सर देखते हैं शहरी क्षेत्रों में कि डेंगू हो गया या कुछ इस तरह की बीमारियां होती हैं जिसमें कुछ छिड़काव नहीं होता है साफ़ सफाई की वजह से। और सबसे बड़ी बात है लोगों को जो शहरी क्षेत्र, इसमें आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, इसको बनवाने के लिए इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं कि मुझे लगता है कि कोई भी आदमी एक अपने ऑफिस छोड़ता है और तब जाकर शायद 2 चक्कर लगाता है, तब जाके शायद इसका काम हो पाता है। हमारी चीज़ें प्राथमिकता इन्हीं चीज़ों को लेकर, क्योंकि एक कुछ इस तरह का व्यवस्था करें कि ये सारी चीज़ें उनको बहुत जल्दी मतलब उपलब्ध कराई जाएँ, उनको इस वजह से परेशानी ना हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं पार्कों को लेकर के, हम देखते हैं पार्कों का कहीं कहीं विकास तो हो जाता है लेकिन बच्चों को खेलने में कोई जगह ही नहीं रह जाती है। सारे पार्क इस तरह से बना दिए थे जहाँ पे बच्चे खेलने नहीं जा सकते हैं, तो ये चीज़ें रहेंगी। बाकी स्वास्थ्य को लेकर के हम बात करेंगे, स्वास्थ्य को लेकर के हमारे जो वार्ड में कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो वो भी एक मेरा एजेंडा रहेगा। लेकिन मैं जो मेरा जो मन है या जो मैं दिल से चाहता हूँ कि जो हमारे गाँव के क्षेत्र हैं शहरी क्षेत्रों में, उनकी जो दुर्दशा है वो सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि मैं उनको बहुत अच्छे से कर ले जाऊं, एक आदर्श वार्ड के रूप में इसको देखा जाए। ये लखनऊ के लिए ही नहीं, पूरे प्रदेश के लिए या हमारे देश के लिए एक ऐसा वार्ड बने। नली जी, आप इतने कम उम्र में समाज सेवा कर रहे हैं, गरीबों के साथ अक्सर आपको देखा गया है कि आप खड़े हुए मजबूती के साथ खड़े होते हुए नजर आते, तो इतनी प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? मैंने कहा ना कि छात्र राजनीति से रहा हूँ, आज भी उसी तरह से चल रहा है। और आपने जहाँ आपने कहा ना प्रेरणा के बाद, मैंने सबसे पहले ही कहा था कि आपका मार्गदर्शक कौन है, तो अटल जी बैठे हुए हैं दिल में हमारे, सारी चीज़ें वहीं से हो जाती हैं जी। आप एक युवा नेता हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आजकल के युवाओं के लिए और क्या क्या समस्या देखते हैं युवाओं के प्रति? देखिए, मैंने कहा कि राजनीति, एक वर्ड आता है राजनीति, सबको आनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, चुनाव हर कोई तो नहीं लड़ता है,
लेकिन आनी जरूर चाहिए, सहभागिता जरूर होनी चाहिए ताकि आप जान सकें कि आप क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो युवाओं के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जो सही लगे उसको आप अपनाइए और उसी विचारधारा के साथ चलिए। जनता के बीच आप किस एजेंडे के साथ इस बार चुनाव में उतर रहे हैं? एजेंडा साफ यही है, आप पार्टी विशेष को ध्यान मत दीजिए, व्यक्ति विशेष को ध्यान दीजिए। ये जो चुनाव है आपके घर परोस आसपास की चीज़ों को लेकर के है कि आपका जो पार्षद कल को चुनाव जीत करके आए आप उससे कितना जल्दी कनेक्ट होते हैं। अभी यही कहूँगा कि अगर रिपोर्ट कार्ड की कहीं बात कर दी जाए, हालांकि मैं उस चीज़ में जाना नहीं चाहता हूँ और मैं खैर यहाँ भी नहीं बोलना चाहता हूँ कि एक कनेक्टिविटी को लेकर के कि एक अपने जो क्षेत्रवासी हैं उनका जो पार्षद है वो कैसा होना चाहिए, वो कितने टाइम उपलब्ध है उनके लिए वहाँ पे। तो चुनाव जो होना चाहिए वो किसी भी पार्टी का हो, कहीं से अभी चुनाव हो, पार्षद का चुनाव हो या जिला पंचायत का चुनाव हो, आप उस व्यक्ति को प्रेफर करिए कि जो आपके बीच में रहे और जो आपके काम आ सके, हर समय आपके कदम से कदम मिला करके चल सके। एजेंडा साफ है, हम हर कोई यही कहता है सड़क बिजली नाली, ये तो एक लाइन बनी हुई है, हर कोई एक ही लाइन बोलता है सड़क बिजली पानी। बहुत सारे ऐसे काम हैं, हम स्वास्थ्य को लेकर कर सकते हैं, शिक्षा को लेकर के कर सकते हैं। और आप युवाओं के लिए बात अपनी कहा कि भाई एक स्वास्थ्य को लेकर के अब कहीं कहीं कई महानगरों में हमने देखा है कि जिम की व्यवस्था करी गई है, हमारे लखनऊ में चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो ये सब चीज़ें भी बताना ज़रूरी है। तो लाली जी, आप स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर क्या काम करना चाहेंगे? स्वास्थ्य को लेकर के मैंने बोला कि यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, मेरी प्राथमिकता रहेगी। सफाई को स्वच्छता को लेकर के मैंने कहा कि नालों की सफाई हो, ये जो कूड़ा नहीं उठते हैं घर से वो ज़रूर उठने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम क्षेत्र में जाते हैं या लोगों से मिलते हैं, अब तो सुनने में भी आता है कि स्ट्रीट लाइट बंद है। भैया हमने 3 बार कंप्लेन की हुई है, लोग कंप्लेन ऑनलाइन भी दिखा रहे हैं और लाइट नहीं जल रही है। हम लोगों को लगता है कहीं हम लोग ऐसा तो नहीं कंपेनिंग के लिए जा रहे हैं, हमारी भीड़ भाड़ इतनी जनता मेरे साथ में है तो शायद लाइट ही बंद कर दी जा रही है, हम लोग को ऐसा लगता था। लेकिन पता चल रहा है कि लाइट के लिए 10 दिन से कंप्लेन किए बैठे हुए हैं, वो लाइट नहीं बनी हुई है। तो ये सारी मूलभूत सुविधाएँ हैं जो एक पार्षद लेवल पर अपने लेवल पर किसी तरह से अपनी बात पहुँचा कर, और जो हमारे विधायक प्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, सांसद हैं, मंत्री, सबसे सहयोग से। हम ये नहीं कह रहे कि हम पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारा इनसे कुछ चीज़ नहीं रहेगा, नहीं बिल्कुल रहेगा, क्योंकि वो भी जनता के प्रतिनिधि हैं। तो उनसे एक किसी तरह से आपस में बात करके या अपनी बात को रख के मुझे लगता है कि मैं इन कामों को करा ले जाऊँगा। नली जी, आज की राजनीति की बात करें तो वो सेवा कम व्यवसाय ज़्यादा लगती है, क्योंकि जहाँ तक सरकार बहुत सारी योजनाएं जो हैं जनता तक नहीं पहुँच पाती हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जाती है, चाहे वो प्रदेश लेवल से हो या सेंट्रल लेवल से हो, ये बात से मैं सहमत हूँ कि गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, वो अच्छा काम कर रही है। लेकिन हम बात फिर वही आगे करते हैं कि हमारे लोकल लेवल का प्रतिनिधि कितना जागरूक है अपने क्षेत्र के लिए, वो डिपेंड करता है। और यही एक कारण है कि आप मेरे साथ जो जनसल आप देख रही हैं, अगर जनता इन सब चीज़ों से खुश होती तो शायद हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के ये लोग नहीं चलते। प्राथमिकताएँ साफ है, व्यवसाय की आपने बात करी, मैं उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, ये तो बहुत छोटा सा चुनाव होता है। आप 50 लाख लोग कोई हो सकता है कुछ खर्च कर जाए, मुझे नहीं आइडिया इसका, लेकिन जब आप व्यवसाय में जाते हैं तो एक बार तो जा सकते हैं, दूसरी बार आपको उल्टे पाँव ही भागना पड़ता है। नली जी, अगर आपको जनता मौका दे देती है तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? एक अजीब सा ये सवाल किया आपने, सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी जी? हम कितनी चीजें गिनाएं, हम क्या स्वास्थ्य को लेकर के बोलें, हम शिक्षा को लेकर के बोलें, अब इस तरह की सारी चीज़ या बच्चों के खेल कूद से रिलेटेड चीज़ें हो, बहुत सारी चीज़ें हैं वो गिन नहीं सकते हम लोग। और ये डिपेंड करता है हम कितना करना चाहते हैं हमारी चीज़ें। अब हम अपने वार्ड की बात करेंगे, प्रमुख चौराहों पे अगर देखेंगे शौचालय की व्यवस्था नहीं है, क्या मतलब आप देखिए हमारे यहाँ प्रमुख चौराहों पे पानी की व्यवस्था नहीं। और हम लखनऊ के गोमती नगर के एक ऐसे वार्ड की बात करते हैं जहाँ पे सबसे एक VIP एरिया है ये, जहाँ पे हमें लगता है कि हर महीने प्राइम मिनिस्टर का या गृह मंत्री का सब लोग का आना जाना होता है। तो
बस सिर्फ यही रहेगा कि उन चीज़ों को मैं अपने जो प्रतिनिधि हूँ उनके सामने लाऊं, लोगों से अपनी जो समस्याएं हैं उनको लाऊं। एक मैं ज़रूर व्यवस्था करना चाहूँगा, सिंगल विंडो, जिसको हमने सोचा है कि हर खंड में जो हमारा एक इस तरह की व्यवस्था करी जाए जहाँ पर किसी को भटकना नहीं पड़े, जो एक नंबर डायल करें और सारी सुविधाएं वहाँ से मिल जाए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों के बीच तक जाएं, लोग हमको जानें, हमारे नंबरों को एक दूसरे से आदान प्रदान करें, ताकि उनको लगे कि हाँ उनके घर का कोई आदमी है। वो बेझिझक, अभी तो यही होता है कि पार्षद जी का नंबर है क्या भैया आपके पास, पता चलता नहीं भैया हमारे पास तो नहीं, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तीसरे से पूछे आपके पास नंबर है क्या, नहीं मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तो मेरी प्राथमिकता ये रही कि उनसे कनेक्टिविटी होना, जब तक हम कनेक्ट नहीं होंगे ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर गांव में डेली जा पाएँ, हर कॉलोनियों में डेली जा पाएँ, ऐसा नहीं संभव है। ये कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, और वो अगर मैं कर ले गया तो मुझे लगता है सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक, नली जी, अपने क्षेत्र में महिलाओं और बेटियों के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं आप? हाँ, सरकार ने बहुत सारी कहते हैं सुविधाएँ दी हुई हैं, बहुत सारे प्लान्स आते रहते हैं उनके लिए। महिलाओं को लेकर के तो देखते हैं, जब सीट रिजर्व होता है महिलाओं के लिए, महिलाओं को टिकट तो मिल जाता है लेकिन उनको वरीयता नहीं मिलती है। मतलब उनके नाम पर टिकट तो मिल जाता है, महिला टिकट जीत के भी आ जाती है, लेकिन कोई जान नहीं पाता है इस चीज़ों को कि उनकी सहभागिता क्या होनी चाहिए। उनको सिर्फ और सिर्फ बैनर और पोस्टर के लिए रखा जाता है। उम्मीद हमारी यही रहेगी कि महिलाओं को जोड़ा जाए। मैंने कहा ना कि ये कनेक्टिविटी को लेकर के हर जगह के हर लोगों को जोड़ा जाएगा, और उनसे अगर मिलेंगे, इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं, हम देखते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, उनको जोड़ा जाए, तो चीज़ें बहुत आसान होगी। चाहे उनके स्वास्थ्य को लेकर के मैं बताऊं, मैंने बताया 6-7 गांव हैं हमारे यहाँ इस वार्ड में, और जो वहाँ की स्थिति है, मैंने पहले ही कहा था, वो स्थिति मतलब देखने लायक नहीं है। प्राइम टीवी के माध्यम से आप क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी जनता के लिए, हमारे दर्शकों के लिए? पहले तो मैं प्राइम टीवी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और आपके माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहूँगा, लोग का स्लोगन होता नहीं नेता नहीं बेटा चुनिए, मैं बेटा भी नहीं बनना चाह रहा हूँ, आप सबके भाई बंधु जो भी हैं वो बनना चाहता हूँ, और आपके बीच में बनना चाहता हूँ। अक्सर मुझे लोग मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, सब बोलते हैं मुझे तुम कुर्ता पजामा क्यों नहीं पहनते हो, लगते नहीं हो, सबसे अलग नहीं लगते हो, आप कैंपेनिंग के लिए जा रहे हो, नेता लगो आप, नहीं कर पा रहा हूँ, छात्र राजनीति से रहा हूँ, ऐसे ही रहा हूँ, ऐसे ही रहूँगा आप लोगों के बीच में, मुझे सबके बीच सब नेता बन जाए, सब भाई बन जाए, सब बेटे बन जाए, तो ये मेरा ये ऐसे ही रहेगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करूँगा, एक बार आप विश्वास करिए, शायद सिर्फ और सिर्फ एक ही अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाना, और मुझे ऐसा लग रहा है जो प्यार और स्नेह लोगों से मिल रहा है, ये शायद आपके चैनल के माध्यम से बोल भी रहा हूँ, शायद जीतने के बाद शायद मैं फिर आप लोगों के सामने बैठूं और आपका फिर से एक बार धन्यवाद दूंगा, इतना विश्वास है मेरा। प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका नलिनी जी। तो हमारे साथ चिन्हट द्वितीय वार्ड के प्रत्याशी नलिनी, जो कि उन्होंने बताया कि जनता के बीच वो किस तरीके से अपनी प्राथमिकता रखते हैं। सबसे पहले उनके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा मायने रखता है। नगर संग्राम में आज के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस